कोरोना महामारी के दौरान स्वास्थ्य विभाग के कार्य की जितनी प्रशंसा की जाए कम है। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सभी नर्सों का आभार जताया और ट्वीट कर कहा कि नर्सों के बिना स्वास्थ्य और खुशहाल दुनिया की कल्पना करना असंभव है। उधर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी नर्स दिवस पर सभी नर्सों को बधाई दी है। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के मौके पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नर्सों का आभार जताया और बधाई दी। शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट कर कहा कि आज नर्सों के बिना स्वस्थ और खुशहाल दुनिया की कल्पना भी असंभव है। नर्सें स्वस्थ विश्व की जीवन रेखा हैं। करुणा, दया और सेवा के पर्याय सभी नर्स बहन भाइयों को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस पर प्रणाम करता हूं। गृह और स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने विश्व नर्स दिवस पर नर्सों को बधाई दी और कहा कि नर्सें माँ और बहन का रूप होती हैं। उन्होंने कहा, भगवान जहाँ खुद नहीं आ पाता वहाँ अपना प्रतिरूप भेज देता है। ये नर्सें वही ईश्वर का प्रतिरूप हैं। कोरोना महामारी में नर्सों ने जिस तरह कार्य किया है वह अद्भुत और सराहनीय है। नर्स को सिस्टर सिर्फ भारत में कहा जाता है क्योंकि एक आत्मीय रिश्ता ये भारत की भूमि पर ही मिलता है। जिस तरह से इस आत्मीयता से वो कभी माँ के रूप में कभी बहन के रूप में सेवा करती हैं, वास्तव में जिस कष्ट की घड़ी में वो सेवा करती हैं उस वक्त प्रतीत होता है कि ये देवतुल्य कार्य कर रही हैं। अपने यहाँ कहावत है कि ईश्वर सब जगह नहीं पहुंच सकता था इसलिए उसने माँ को बनाया। उसके प्रतीक के रूप में हमारी सिस्टर हमारी नर्सें काम करती हैं। आज उनके दिवस के ऊपर पर मैं उन्हें शुभकामना देता हूँ और प्रार्थना भी करता हूँ कि जिस तरह से इस वैश्विक महामारी में सेवा के भाव में वो जुटी हुई है, जिस तल्लीनता से उन्होंने हमारे विभाग का मान बढ़ाया है, स्वयं के कार्य का सम्मान बढ़ाया है, देश का स्वाभिमान बढ़ाया है, वो इसी तरह से इस कार्य को करती रहे। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखन न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।